आज है 12 अक्टूबर और आज है थर्सडे और आज होने वाला है किस किस के बीच में मैच? ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच। हाँ, आज हो रहा है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में मैच, लखनऊ में मैच हो रहा है और आज ये 8th डे है वर्ल्ड कप का, है ना? और दोनों दिग्गज टीम हैं। क्या लगता है कौन जीतेगा? 50-50 चांस है दोनों का, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो इंटरेस्टिंग मैच होगा, है ना? क्योंकि हाँ, क्योंकि साउथ अफ्रीका भी बहुत स्ट्रांग टीम है और ऑस्ट्रेलिया तो अपने आप में है ही, है फिर ना? भी कोई एक नाम लीजिए कौन जीत सकता है। मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका को जीतना चाहिए, साउथ अफ्रीका, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का परफॉर्मेंस लास्ट मैच में उतना अच्छा नहीं रहा। हाँ, तो हमको लगता है कि क्या लगता है साउथ अफ्रीका को जीतना चाहिए और हमको तो लगता है ऑस्ट्रेलिया को जीतना चाहिए। देखते हैं दोनों में, चलो देखते हैं दोनों में से कौन जीतता है, है ना? और 2 बजे से मैच होने वाला है, एज यूजुअल सारा काम करके फिर हम लोग मैच देखने बैठेंगे और क्या टेस्टी टेस्टी खाना बनाएंगे उसका डिटेल्स तुम बताते रहना व्यूअर्स को। हाँ, आपको सिर्फ खाने से मतलब है ना, खाने से और मैच से, मैच से, है ना? देखते हैं। हाँ, इंटरेस्टिंग मैच होने जा रहा है। हाँ, आज के दिन में देखते हैं कौन जीतता है। कितना बजे तक मैच? लगभग 10 बजे तक चलता है ना, 10-10:30 तक, 10 के आसपास तक खत्म हो जाएगा। हाँ, तब तक तो मतलब शाम 10:30। हाँ, बहुत सारा चीज हो जाता है तो एंजॉय करते हैं हम लोग मैच शुरू होने के बाद। तब हाँ, तब तक रुकते हैं और तुम चले जाओ अपना आज का रेसिपी में। हाँ, और हम इंतजार करेंगे आज का मैच का, कौन मैच जीतता है, फिर शाम को देखते हैं कि कौन क्या होता है। हाँ, फिर हम लोग आपको बताएंगे कि आज दिन भर जो है कैसा मैच चला। तो मिलते हैं मैच के बाद। तो आज घर पर बन रहा है आलू और परवल का एकदम मस्त सा सब्जी, ये आप शादी ब्याह में ज़रूर खाते होंगे, तो उसी स्टाइल का बना रहे हैं लेकिन थोड़ा घर के तरीके से। तो यहाँ पे तेल में सबसे पहले जीरा दे देंगे और ये दे देंगे परवल। परवल को मैं आप दिखाती हूँ कि कैसे काटी हूँ। ये देखिए, एक परवल का 4 टुकड़ा और अगर छोटा परवल है तो 2 टुकड़ा। इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, देखिएगा थोड़ा थोड़ा दाग आ जाएगा। ये देखिए, हो गया ना दाग आ गया ना। अब इसको जो है ढक करके पका लेंगे नमक डाल करके। नमक डाल देने से क्या होता है ना कि परवल अच्छे से पक जाता है। और एक तरफ हम जो है आलू बॉयल कर लेंगे। तो आलू मैंने पहले ही बॉयल कर लिया, ये देखिए आलू बॉयल करके, प्याज कट करके और 2 टमाटर लगेगा इस सब्ज़ी में। अब जो है परवल पक गया है अच्छे से तो उसको हम निकाल देंगे। फिर यहाँ कढ़ाई में फिर से तेल डालेंगे और अब डालेंगे जीरा। उसके बाद डाल देंगे यहाँ पे प्याज। प्याज को जो है अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने दे देंगे जब तक कि ये पक नहीं जाता है। फिर डालेंगे टमाटर, आप चाहे तो लहसुन भी डाल सकते हैं लेकिन इस सब्ज़ी में हम लहसुन नहीं डालते हैं। तो यहाँ पे डाल दिए टमाटर, फिर जो है नमक, हल्दी और धनिया मिर्च का पाउडर, फिर किचन किंग मसाला और अब इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। तो जब ये मसाला फ्राई हो जाएगा तो यहाँ पे दे देंगे कसूरी मेथी और फिर से मसाला को अच्छे से फ्राई करेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाला जो है सारा जले नहीं। और ये देखिए, इसको ढक ढक करके पकाएंगे तो जल्दी पक जाएगा टमाटर और प्याज दोनों, दोनों में से कोई भी खड़ा नहीं रहेगा। ये देखिए पक चुका है। तो अब हम दे देंगे बॉयल आलू। बॉयल आलू को इस तरीके से तोड़ के डालेंगे, कट करके नहीं डालेंगे। तोड़ देने से क्या होता है ना, ग्रेवी थिक बनता है और बहुत टेस्टी भी लगता है। तो अब हम आलू को फ्राई कर लेंगे, फिर डाल देंगे आलू के अकॉर्डिंग नमक। हम लोग नमक जो हर स्टेज में डाले हैं। जब आलू अच्छे से फ्राई हो जाएगा तब यहाँ डाल देंगे परवल, और परवल को भी मसालों के साथ फ्राई कर लेंगे ताकि इसमें भी मसाला चले जाए। और लास्ट में डाल देंगे यहाँ पे पानी, ग्रेवी के अकॉर्डिंग पानी डाल देंगे। और देखिए कितना यमी लग रहा है ना खाने में, सॉरी देखने में, खाने में तो और भी टेस्टी लगा था। और लास्ट में हम डाल देंगे यहाँ पे गरम मसाला। गरम मसाला तो एकदम मस्ट है। ये देखिए क्या कलर आया है ना आलू परवल का सब्ज़ी का, बहुत ही मस्त कलर आया है। और हम लोग इंजॉय कर रहे हैं दाल भात आलू परवल, और लास्ट में मैंने थोड़ा सा दही भी रखा था, ये मेरे हस्बैंड खा रहे हैं मैच देखते समय।
और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। हाँ, जो है आज का मैच खत्म हो चुका है और साउथ अफ्रीका जीत गया बहुत बड़े मार्जिन से, 134 रन से जीता वो। और ऑस्ट्रेलिया से ये उम्मीद नहीं था कि वो इतने कम रन ही बना पाएगा, मात्र 177 रन पर ऑल आउट। ये तो ऑस्ट्रेलिया जैसे टीम से उम्मीद नहीं था, लेकिन ये लग रहा था कि साउथ अफ्रीका जीत जाएगा बड़े मार्जिन से। बड़े मार्जिन से तो जीत गया ना, अब वो पॉइंट अंक तालिका में वो अभी सबसे ऊपर है नेट रन रेट को लेकर के। यही चीज़ मैं कल भी बोल रहा था क्योंकि नेट रन रेट बहुत ही मायने रखता है। अभी तीन या चार टीम को फोर पॉइंट मिले हैं, जिसमें से नेट रन रेट के हिसाब से साउथ अफ्रीका अभी टॉप पर चल रहा है। तो क्योंकि ये इस मैच में ये इतना ज़्यादा रन बना लिए, तो इसका बेनिफिट उनको आने वाले मैच में ज़रूर मिलेगा। कि नेक्स्ट जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच है उसमें क्या रौनक आता है, क्योंकि वो तो खैर ज़बरदस्त मैच होने वाला है। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान तो ऐसे ही जो है ना, वो दोनों देश जो है ना एक दूसरे को लगता है कि एकदम वार ही चल रहा है, इस लेवल पर उन लोगों का मैच चलता है। तो हम लोग इंजॉय करेंगे फिर नेक्स्ट मैच को। आज के लिए बस यही,